भाई सही है हाँ सर, आप बता रहे थे सुधीर यादव। सुधीर यादव सही है। वारे मसौली थाना के साई साहब बताइए, आपके लिए ताली ठोके या छाती पीटते। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जब के थाना मसौली का मामला सामने आया, जब एसआई साहब कार्रवाई करनी नहीं थी तो काहे के लिए एप्लीकेशन ले लिए थे। थाना मसौली पुलिस कहती कि जाओ सतरिक पुलिस के पास, और सतरिक पुलिस कहती है थाना मसौली पुलिस के पास। अब बेचारा ही तो बहुत परेशान हो गया, इसकी समस्या सुनिए। इसका नाम सुभाष है, इसके कंडक्टर ने इसके साथ हेराफेरी कर दी। अब बेचारे छाती पीट रहे, बस अब आंखों में आंसू तक आ गए थे, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही। इनके 60,000 रुपए चले गए, अब बेचारे क्या करें। आप है बताइए, कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी। बकायदा किससे गुहार लगा, किसके आगे फरियाद लगाए, किसके आगे माथा पटके, किसके आगे छाती पीटे कि भैया हमारा पैसा हमको दिला दो। 60,000 बेचारे चले गए, यानी मेहनत का बस अब आदमी कमा नहीं सकता। फिलहाल सुनिए जरा सुभाष किस तरह से अपनी समस्या बता रहा था, तो आगे और सुनाएंगे। आपका मेरा नाम सुभाष रावत है। क्या मामला है आपका? मामला ये, हमारा गाड़ी गाड़ी हमारी इंदौर से बिहार गई थी, बिहार से भाड़ा लाद के लाई लाई है। उसके बाद में जब गाड़ी यहाँ आ गई बाराबंकी में, तब हमने कहा हिसाब कर दीजिए। तब वो ड्राइवर ने कहा कंडक्टर को भेजे हैं, इन्हीं से हिसाब ले लीजिए, इन्हीं के पास पैसा है। और तो कंडक्टर को फ़ोन किए तो कंडक्टर बोला कि भैया मोड़ पर आ जाइए, पैसा ले लीजिए। जी जब वहाँ गए हिसाब देने लगे, तब बताया कि भैया चोरी मतलब फाइल में 80,000 रखा था, 80,000 में से 60,000 गायब हो गया है और 20,000 शेष बचा हुआ है, जी इतना ही दे पाएंगे। उसके बाद में चोरी हो गई, उसके बाद में हमने कहा डांटा फटकारा, फिर नहीं कबूला तो पुलिस थी, पुलिस से बताएं वहाँ मसौली थाने में, तो मसौली थाने पुलिस थी, तो वहाँ का तहरीर दे दीजिए, हम इसकी कार्रवाई करते हैं। फिर उनके पिताजी से बात हुई, पिताजी ने बताया कि हम भैया कोई कार्रवाई ना करिए, हम सुबह आके पैसा देते हैं। अब कंडक्टर का बाप पहले कबूतर के सुबह होते ही पैसा दे देंगे, लेकिन रात भर में ना जाने कौन सी समस्या आ जाती है, ना जाने कौन सी दिक्कत आ जाती है, ना जाने थाना मसौली में कौन सा खेला हो जाता है, जिसके बाद भाई साहब देख लो कंडक्टर का मुंह देख लो, बहुत गौर से देख लो। इसका 151 में चालान होने के बाद 1 रुपए तक नहीं मिलता। अब 60,000 रुपए कहाँ चले गए, किसने टका दिया, कोई अता पता नहीं। ना थाना मसौली पुलिस सुन रही है और ना भाई साहब सुभाष के समस्या का निदान हो रहा। इनको कोई सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती साहब, बेचारा 60,000 रुपए के लिए तरस रहा। अब बताओ एक गरीब आदमी कहाँ करे, कहाँ जाकर माथा फोड़े। इस हिसाब से निवेदन करे यहाँ जोड़े। उसके बाद में जब सुबह हम आए तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, फिर उन्होंने 151 में पुलिस थाना मसौली 151 में चालान करके उसको भेज दिया और हमको कोई सूचना नहीं दी। अच्छा, एक व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था? ये रामनगर साइड का है, वहाँ रानीगंज, रानीगंज ईसाई। हाँ ऐसा ही है सर, आप बता रहे थे सुधीर यादव। सुधीर यादव सही है। तो उन्होंने क्या उन्होंने बताया? बताया कि आपका ये मामला नहीं लगता है, इसको 151 में कर दिए हैं, आपका मामला लगता है सतीत थाना, सतीत थाने में जाइए तहरीर दीजिए। जब वहाँ सतीत थाना पहुँचे तो उन्होंने बताया कि ये हमारी क्षेत्र की घटना नहीं है, जहाँ की घटना है वहीं तहरीर आपकी लिखी जाएगी। अच्छा, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई, आप कोई संतुष्ट कार्रवाई हैं नहीं कि? हुई, कोई संतोष नहीं है, हमारा 60,000 रुपया चला गया है, हमको ही चाहिए। अच्छा, जिसने बताया था कि जो पैसा आपका है, जो पैसा आपका गायब हुआ है, उसके पिताजी ने क्या बताया था आपसे? पिताजी ने बताया था कोई कार्रवाई ना करिए, हम सुबह आके पैसा देते हैं। वो भी बताया था, सतीश ने बताया जो कंडक्टर, वो भी बताया थी भैया हम सुबह हम पैसा इंतजाम करके दे देंगे, कि हमारे पास इस टाइम पैसा नहीं है लेकिन हम सुबह दे देंगे। अब ना तो कंडक्टर का बाप 1 रुपया दे रहा, ना फोन उठा रहा कंडक्टर, कह रहा हम तो 1 रुपया नहीं देंगे। ऊपर से बस अब क्या बताएं, मसौली पुलिस तक नहीं सुन रही। अब बेचारा सुभाष कहाँ जाए, एसपी साहब के आगे निवेदन करे, या बताओ कोतवाल साहब से गुहार लगाए, या बखतापुर पुलिस अधीक्षक साहब से हाथ जोड़े, या सीओ साहब से विनती करे, कहाँ जाए सुभाष भाई साहब की क्या आगे जाकर माथा फोड़ ले। पर मसौली के आदर सावत की रिपोर्ट। अब भैया इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग कमेंट करके बताएगा। पर वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार तक देख ले।